यूट्यूब गलत बोल दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, क्या बोलना था? तुम क्या लेकर आ गए मुझसे, तो रखो प्लीज प्लीज प्लीज। ले जाओ यार, तुम इतना तो घूमती रहती हो, आज इसको घूमने दो, चल बन गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? यूट्यूब गलत बोल दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, क्या बोलना था? मेरा डायलॉग क्या था? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ना मैं दोपहर हो चुकी है, रेडी हो चुकी हूँ, उठ के फ्रेश हो गई। फातिमा फ्रेश होकर ट्यूशन से आकर सब कुछ करा कर वो नीचे जाके अभी अहमद के साथ खेल रही हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, किचन में चल के बताती हूँ। मेरा काम और कहाँ हो सकता है, मैं एनी टाइम आप लोग को किचन में सिर्फ नजर आऊंगी। किचन में आती ना आपको एक और बंदा मेरे किचन में फ्री में देखने को मिलता है हमेशा, जो है उजैर। फिर तुम पूरा कट गए और यार तुम क्या लेकर आ गए उजैर मुझसे, तो रखो प्लीज 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 यार। उजैर लेके आए झींगा, प्राउन्स। रुको, मैं कैमरा जरा ऊपर कर दूँ। हाँ, अब ठीक है। उजैर लेके आए हैं प्राउन्स, और जैसे कि आप लोग को पता है मुझे सी फूड कतई नहीं पसंद। बट आई लव सी फूड, आई लव सी फूड। मैंने पका के खाऊंगा, मैं कच्चा नहीं खा रहा हूँ। उजैर की खुशी के लिए मैंने उजैर को बोला तुम लेकर आओ, मैं इसको तुम्हें पका कर खिलाऊंगी। सबसे पहले इसको मैं साफ करूंगा, मुझे साफ करना नहीं आता। इसके जो कवर वगैरह है इसको निकालेंगे, इसका मुंह अलग कर देंगे और ये साफ हो जाएगा। फिर ये इतना सा बच जाएगा। हाँ चलो, आज मैं उजैर से साफ करना सीख लेती हूँ। साफ कर रहा हूँ, साफ कर। चलो जल्दी प्लेट लाओ। और ना मैं आज खाने में प्राउन नहीं बना रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उजैर कैसे साफ करें। मैं खाने में बना रही हूँ कलेजी। उजैर कलेजी लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश करके जो है वो रख दिया है। अभी बस जल्दी से मसाला मेरा रेडी हो चुका है, अभी इसमें डालती हूँ या बनाती हूँ, फिर जाके थोड़ी सी हेल्प उजैर की भी करवाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कलेजी रेडी हो रहा है, मसाला बन गया, तो मैंने इसमें कलेजी डाल दिया था। बस अब इसको ढक के जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी और चलती हूँ बाहर, देखती हूँ उजैर क्या कर रहे हैं। मैं और उजैर बैठ के प्राउन बना रहे थे, और यहाँ पे ये इतना सा हम लोगों ने बनाया है आधे घंटे में और बन ही नहीं रहा है हम लोगों से। तो अभी मैं आप ही से पूछ के आई हूँ, तो आप ही बोली लाओ मुझे दे दो, मैं ला कर बना देती हूँ। तो अभी चलो पैक करो, जाके आप ही को देते हैं, आप ही से बनवाते हैं। हम लोग की बस की बात नहीं है, लेकिन पकाना मुझे खुद ही आता है कि मैं सीख पाऊँ। फातिमा ना अपने बाबा के साथ गई थी बाहर कुछ लेने के लिए, खाना पकाने के लिए, यही जो झींगा और जो कलीजी लेकर आई है सब लेने के लिए गई थी। फातिमा छोड़िए बेटा, और अपने लिए लेकर आई हैं ये क्या है बेटा? मेकअप। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ऐसा मेकअप सेट लाई है ना, ऐसा जितने में ये इनका ये मेकअप सेट, बेटा वेट, जितने में इनका ये मेकअप सेट आया ना उतने में ना मेरा पूरा आई शेडो पैलेट आ जाता, इतना महंगा ये मेकअप सेट है, वो भी टॉय। चले कोई बात नहीं, इसको भी ना ज़्यादा टाइम तक, इसकी एज ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसकी एज सिर्फ ना 1-2 डेज है, उसके बाद तो ये पूरा टूट जाने वाला है। नहीं हुआ इतना सारा, अभी आप और मैं दोनों बैठ के छिले, अभी भी इसमें बाकी है, बहुत बाकी है। अच्छा, थोड़ा ही बाकी है बस, अब चलो कर लेते हैं हम लोग मिलके। उजैर, उजैर इधर आओ, जरा इधर आओ, अंदर आओ, यहीं से आओ, नहीं अंदर आओ, अंदर आना पड़ेगा, ऐसे तुम नजर नहीं आओगे ना। आओ अंदर। हाँ मुझे एक बात बताओ, ये तुम क्या लेकर आए हो? इस झींगा को बनाने में आधा घंटा नहीं, 1 घंटा लग गया आप ही को। ये भी ये इतना सा बना है अभी तक, इतना सा बिल्कुल, और इसमें से निकला कितना सा था कचरा वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इतना सा, और अभी भी ना बन जाएगा इतना बाकी है, थोड़ा ही सा बाकी, बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अब ना ये लोग बोल रहे हैं कि अरीबा को अच्छा बनाना आता है, तो अरीबा का वेट करती हूँ, अरीबा आएगी तो फिर वही बना कर मुझे देगी। और हम लोग का सालन भी लगभग रेडी ही है, तो रेड चेक कर रहे हैं ना, बस अभी थोड़ा सा और भुनाएगा और डन हो जाएगा, कलेजी भी और सब कुछ गल गया। हाँ बस भुनाएगा, सालन ना मेरा बन चुका है, मैं सब जल्दी से इसके ऊपर धट गया कि धनिया की गार्निशिंग करती हूँ, और इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये चीजें ऐड करती हूँ, और इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर मेरा कलेजी
जी रेडी है मेरा कलेजी, नहीं कलेजी का सालन रेडी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब इसको जल्दी से जाती हूँ दस्तरखान पर लगाती हुई। मुझे खाना तो खा लिया यार, और इतना टेस्टी बना था ना कि ओवर ईटिंग हो गई है। और अब इसके लिए इसका हल, इसके लिए नहीं इसका हल ये है कि कोल्ड ड्रिंक जो जहर पहले से ला के फ्रिज में रख चुके थे, जहर को पता था कि कोल्ड ड्रिंक के बिना ना कलेजी गले से उतर ही नहीं सकती मेरे खास तौर पर, तो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। और वाह जी वाह, कोल्ड ड्रिंक तो मैं अपने लिए लाई थी, आंखें बड़े मजे से तुम मेरे हाथ से ले लिए। दोनों पियेंगे। अच्छा ये पाकिस्तानी है भाई वो ये नहीं बोलना कि हम लोग 7 अप रेडियो पी रहे हैं। गोरमे गोरमे, ये गोरमे है गवर्नमेंट है पीने से मतलब है। अच्छा नाम जो भी हो, देखो फातवा तड़पती है। नो बेबी नो नो नो। जैन प्रॉन्स में मामा को देखकर आ गई हूं, अब मामा बना लेंगे ठीक है। सही, ये तो गुड हो गया। मामा बना देंगे, बना लेंगे। तुमको वैसे ही बनाना बनाना नहीं, नहीं आता है ना मुझे, इसलिए मैं मामा को दे दी। मामा तुम्हें बना देंगे, तुम खा लेना। संडे को बोलिए मत, ठीक है? ठीक ठीक ओके। मामा क्या बना लेंगे? नहीं अभी भूलिए, साफ करके रखेंगे और संडे को बनाएंगे। तो वेलकम नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे से मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया है। कल मैंने अपनी वीडियो वहीं एंड कर दी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि रात में मेरी वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं चाहते बस अब वीडियो एंड करूँ और बाकी जब भी पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करके सो जाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाते हैं उतना बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बस वही काम करने में लगे थे। अच्छा आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट ना बिल्कुल शाम में लिया है, मगरिब की अजान के बाद। उसकी रीज़न बताती हूँ आप लोग को अंदर चल के, रूम में चल के। उसकी रीज़न थी ये फातिमा का रूम, जो इतना फातिमा ने मैस किया हुआ था इसमें, इतना कि इसको क्लीन करने में मैं सुबह 1 बजे से इसको क्लीन करने में लगी हुई हूँ, और अभी मगरिब की अजान के बाद जाके फ्री हुई हूँ। ये रही इसकी कंडीशन। बस अब ये जो है ये मुझे अभी फवाद से छत में दो छत्ती में रखवाना है अंदर, तो ये रखवा दूँगी जो फिर बाकी का क्लीन हो जाएगा। इसकी मैंने बिफोर की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा बस माइंड था कि मैं जल्दी जल्दी इसको साफ करूँ, वीडियो को करो ख़त्म, तो बस जल्दी से मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया। अभी ना मैं किचन में आई हूँ खाना गर्म करने के लिए, बनाने के लिए नहीं। कल मैंने जो कलेजी बनाई थी ना आज मैंने उसी को भून लिया। और हाँ ये रहा हमारा प्रॉन्ग, मामा ने जो है ना झींगा कल रात में बनाकर इसको अच्छे से फ्राई करके भी आपको दिखा दी, तो मुझे दे दिया था और बोला था इसको मसाले में बनाना चाहो मसाले में बना लो, या तुरई के साथ या फिर पालक के साथ इसका भी बनाना चाहो बन जाएगा। तो ये रहा हमारा झींगा। अच्छा अब ये बन गया है, मुझे इसको बस मसाले में सालन इसका बनाना है, तो ये काम तो मेरा बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अच्छा इतना ज्यादा था और बनने के बाद इतना सा हो गया, बिल्कुल इतना सा बना है यार। अभी फातिमा रेडी हो गई हैं, क्योंकि इन्हें जाना है इनके बाबा के साथ, कल इनकी छुट्टी है। तो जैन ने बोला चलो मैं इसको बाहर ले जाता हूँ, इधर आओ बाबा खड़े होकर अपना ड्रेस दिखाओ, जाओ जो जल्दी से। और मेरी बेटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज, मेरे बेटे ने न्यू हेयर स्टाइल बनाया है, मामा ने बनाया बेटे का। मुझे भी ले जाओ, फातिमा को लेके जा रहे हो। कहाँ ले जाओ यार, तुम इतना तो घूमती रहती हो, आज इसको घूमने दो। हाँ चलो ये भी सही है, ले जाओ अपनी बेटी को। वैसे तरसी हुई निगाहों से देख रही है सच में, क्योंकि मेरा जाना भी पोस्टपोन ना हो जाए मामा की वजह से। नहीं मेरी बेटी का जाना पोस्टपोन नहीं होगा, आज ही जाएगी अभी जाएगी मेरी बेटी। मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ यार, दिमाग खराब कर रहे हो मेरा बिना वजह का। चलिए बेटा बाबा बन करो। नहीं ब्लॉग तो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं ब्लॉग भी बंद होगा? क्या बनाने बाय बाय पापा बाय बाय। जैन रात में खाने के लिए कलेजी के साथ रोटी ले आए थे, और भाई अभी तो मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कलेजी और रोटी खाने में, और ये देख के हमेशा मैं पहले भी बोलती हूँ मुझे बकरा ईद वाली फीलिंग आ जाती है। तो सालन निकाल लिए, बस जल्दी से खाना खाती हूँ, खाने का इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। हमारी फातिमा तो सो चुकी है, लेकर आई थी और अभी ये सो चुकी है। अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती उसकी, वरना इससे पहले कि हम लोग के खाना खाने से पहले यही उठ जाए।